विनेश भाई, अभी मेटेलिक विनियर भी मिलता है, तो मेटेलिक विनियर क्या होता है ये बात? देखिए, पहला तो एक ओक ले लीजिए, स्मोक जो ओक होता है उसको यूजली मेटेलिक स्मोक में ही होता है, तो उसको एक प्रोसेस करके स्मोक बनाया जाता है। फिर वो विनियर को प्रेस किया जाता है, प्रेस करने के बाद ये मार्केट में आ गया जो विनियर हम स्मोक ओक मिसमैच बोलेंगे। मगर अभी काफ़ी दिनों से इसके ऊपर एक प्रोसेस किया जाता है जिससे इसको मेटेलिक विनियर कर देते हैं, जो एग्जैक्टली यही चीज़ को हमने स्मोक करके यहाँ रखा हुआ, मेटेलिक करके रखा हुआ है। ये स्मोक होने के बाद, ये इसके ऊपर एक प्रोसेस होने के बाद ये यही लुक देगा, जिसे हम मेटेलिक कहेंगे, स्मोक ओक मेटेलिक। यानी रेगुलर ओक को स्मोक करके प्रेस करने के बाद उसके ऊपर जो मेटेलिक का प्रोसेस हुआ है वो ये हुआ है, उसका लुक एग्जैक्टली ये अभी आपको दे रहा है, तो मेटेलिक ओक। ये वाइट इफेक्ट जो आया है वो मेटल इफेक्ट उसकी बात है। ये देखिए क्या होता है, ये कुदरती ही अंदर से जिस तरह की इसकी ग्रेन्स हैं, मेटेलिक हो जाने के बाद जो कुदरती इसकी ग्रेन्स जा रहे हैं इस फ्रिज के, इस तरह जा रहे हैं, इस फ्रिज के बारीक जा रहे हैं, इस फ्रिज के चौड़े जा रहे हैं, तो ये मेटेलिक हो जाने के बाद जो कुदरती ही जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है उससे एक बहुत अच्छा सुंदर एक लुक आ जाता है विनियर का मेटेलिक करने के बाद, जो आजकल अपनी डिमांड है, जो घरों में एक अच्छा लुक देने के लिए मेटेलिक विनियर भी एक अच्छा ऑप्शन आ गया है, जिसे मेटेलिक कहेंगे। और ये जो लुक है वो दैट इज ड्यूरेबल, राइट? इट विल स्टे लाइक दिस फॉरएवर। देखिए, कोई भी चीज जो प्रोसेस की जाती है उसके बाद जो पॉलिश कर देते हैं, तो पॉलिश के बाद उसके ऊपर जो लेयर आ जाती है, तो ये काफी हद तक ये उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। हाँ, मगर मार्केट में और भी थोड़े कोई दूसरे प्रोसेस हैं जिसको आप घिस नहीं पावे या उसको आपको सैंड नहीं करना है, रेडीमेड अनसैंडेड है वो, उसको आपको संभालना है। उसके लिए कंपनी सारी स्टिकर लगा के देते हैं कि ये अनसैंड है, इसको सैंड नहीं करना है। मगर काफ़ी कंपनियों का मेटेलिक तो आप घिस के आप पॉलिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूरेबल है। और ये ट्रेंड कितना रिसेंटली आया है? ये हार्डली आप ये बोल सकते हैं कि 3 से 4 साल से ट्रेंड शुरू हुआ है। okay. ये और 3-4 साल लोगों के टेस्ट के हिसाब से चल सकते हैं। एंड इट इज़ टू मच इन डिमांड राइट नाउ इट इज़ वेरी मच इन डिमांड।